आज के एपिसोड में हमने देखा कि जाप हमेशा सूरज की मदद करते थे और जब उसके अगेंस्ट हो गए। मेरी कुछ अपनी मजबूरियां हैं क्योंकि केस चल रहा है मेरे ऊपर मॉलेस्टेशन का, और उसके लिए मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। और एक और चीज़ है कि मैं अभी पिता नहीं बन सकता हूँ, तो वो चीज़ को लेके मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में हूँ और चाहता हूँ कि अब सारी जो खुशी है वो मैं इमली को दे सकूँ। उसके लिए पैसा चाहिए, इसीलिए बहुत प्रैक्टिकल हो गया विवान और कमल नारायण के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया, नहीं तो जेल चला जाएगा अगर काम नहीं करेगा तो। और उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर मैं सूरज को हराता हूँ तो ही वो मुझ पर फिर से विश्वास करेंगे, और अगर वो मुझे हराता है तो उसे कपड़े मिल जाएंगे। तो हम दोनों एक दूसरे से जीतने के लिए जो है बहुत, और कोई ऑप्शन नहीं है बेसिकली हमारे पास। और अब मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं सूरज के अगेंस्ट भी खड़ा होता हूँ, क्योंकि जब मेरे साथ बुरा होता था तब उसने मेरी कभी हेल्प नहीं की थी, मैंने इतने टाइम तक फिर भी की है, लेकिन अब काफ़ी चेंज हो गया विवान। क्या इमली जानती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसको केस के बारे में पता है कि बट मॉलेस्टेशन के केस के बारे में पता है, लेकिन ये नहीं, वो जो रिपोर्ट्स हैं, जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं कि मैं फादर नहीं बन सकता, वो रिपोर्ट्स के बारे में अभी तक उसको नहीं पता, वो नहीं पता है। तो मतलब कि आप हमेशा भी सूरज के अगेंस्ट हो गए या फिर? जी हमेशा का तो डेली सोप में किसी को नहीं पता होता, कल कुछ और रहेगा तो भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़े टाइम के लिए अब विवान जो एक जो आज तक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन काइंड हार्टेड था, वो अब कहीं ना कहीं बहुत हार्श हो गया है, और कुछ टाइम तक तो आई थिंक ऐसा रहेगा और कमल ब्रांड के साथ काम करेगा। तो क्या आपको इसमें इमली ने रोकने की कोशिश की? जी बिल्कुल, सब ने रोकने की कोशिश की, इमली ने, चकोर ने, मगर मैंने नहीं सुनी है इस बार किसी की भी, और इस बार अपने फैसले खुद ले रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है वो कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ लेकिन यही सही लग रहा है। सर आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हम ये जो सीक्वेंस है अभी तो दंगल का जो सीक्वेंस चल रहा है, इसमें हम सब ने, मैंने और सूरज ने बहुत मेहनत की है, बहुत चोटें भी खाई हैं हमने, तो प्लीज़ देखिएगा आप लोग, एंड वी होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आए।